लिख रहा हूँ दर्द आज मैं अपनी कलम से हर शहीद फौजी के परिवार का, तो जरा ध्यान से सुनिएगा लेखक आशीष यादव की कलम से, लेखक आशीष यादव की कलम से। गया तो था वो जिद करके पर वो लौट कर नहीं आया, तरसती है निगाहें आज भी आंसू भरी, जिस माँ का लाल नहीं आया, जिस माँ का लाल नहीं आया। इंतजार है उसका पूरे परिवार को, सुनने को तरसते हैं बातें उसकी, मैं जरूर आऊंगा ये कहकर गया था वो, मुझे कुर्बत है मेरे देश की, कुछ आखिरी लफ्ज ये बोलकर गया था वो, कुछ आखिरी लफ्ज ये बोलकर गया था वो। शिकायत है बहन को दिवाली पर भी नहीं आया, अब तो रक्षाबंधन भी आ गया है पर मेरा भाई नहीं आया, राखी लेकर बैठी है इंतजार में पर कोई संदेश भी नहीं आया, पर कोई संदेश भी नहीं आया। दो तरफा है वो बाप जो रोकर भी आंसू छिपा रहा है, सोचता है कि सलाम करूं या रोऊं, जूझ रहा है इन ख्यालों में मगर डूब रहा है गम के सवालों में, मगर डूब रहा है गम के सवालों में। माँ दो है मेरी, माँ दो है मेरी, माँ को ये कहकर गया था पर जननी को छोड़कर अब भारत माँ के लिए मिटने गया था, अब भारत माँ के लिए मिटने गया था। पूरा घर बेघर हो गया और सुनी है मांग उस पत्नी की, बस याद है कुछ यादों के पल, अब तो जिंदगी भी जीनी है इन यादों में कल, अब तो जिंदगी भी जीनी है उसे इन यादों में कल। माँ का बेटा भी गया, एक बहन का भाई भी गया, पत्नी का पति भी गया और बच्चों का मामा भी गया, अब तो जीने के इरादे भी खत्म हो गए, शख्स तो एक गया है पर रिश्ते कई खत्म हो गए, पर रिश्ते कई खत्म हो गए। वो हर रिश्ते भुलाकर इस देश के नाम अपनी जवानी दे गया, याद रहेगा हर हिंदुस्तानी को वो ऐसी कुर्बानी दे गया, वो ऐसी कुर्बानी दे गया। सलाम करते हैं अमित चौधरी जी उन जावाद सिपाहियों को जिनका बलिदान है इस देश के नाम, जिनका बलिदान है इस देश के नाम। जय हिंद, जय भारत। आशीष यादव की कलम से।